फार्म हाउस या सेकेंड होम का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? बहुत लोग बहुत दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मैं एक फार्म हाउस का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ या एक सेकेंड होम का प्रोजेक्ट मेरी सिटी के आसपास, तो मुझे क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मैं एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए है, वैसे तो ये वीडियो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि आप सबकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है रियल एस्टेट। आप जब पैदा होते हैं तो भी आप हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का पार्ट है। आप घर जाते हैं तो आपका घर भी रियल एस्टेट का पार्ट है। आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, पर बिना इंफ्रा, बिना कंस्ट्रक्शन स्पेस के स्कूल चल नहीं सकता। आप कभी हॉस्पिटल एडमिट होते हैं किसी तबियत खराब होने की वजह से, वो भी रियल एस्टेट है। आप टूर पे जाते हैं होटल, ये भी रियल एस्टेट का पार्ट है। किसी रिजॉर्ट पे जाते हैं, वो भी रियल एस्टेट का पार्ट है। सो योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड रियल एस्टेट, तो सबके लिए सब जानना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूं कि रिसर्च करके मेरी और मेरी टीम पॉइंट्स आपके लेकर आई कि कैसे फार्म हाउस या सेकंड होम का प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो और सक्सेसफुली उसे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। पॉइंट नंबर वन, बजट, डिमांड एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। फार्म हाउस का प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के जैसा नहीं होता, सेकंड होम प्रोजेक्ट को बहुत रिसर्च करके करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये बजट डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने पैसों के साथ शुरू करना चाहते हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना बड़ा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट आप करेंगे, उसके लिए कितना बजट अभी आपके पास है, कितना बजट आप मार्केट से अरेंज करेंगे, किस लेवल पे आप क्या जॉइंट वेंचर में जाने वाले हैं या आप पूरा लैंड खरीद कर करने वाले, जो भी आपका प्रपोजल हो पहले उसे ठीक से एक पेपर पर जॉट डाउन कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए। दूसरा, डिमांड, क्या आपकी सिटी में फार्म हाउस की डिमांड भी है या बस आपको पसंद है इसलिए आप फार्म हाउस का सेकंड होम का प्रोजेक्ट करना चाहते हो। अगर आपने लोगों में थोड़ा सा सर्वे नहीं किया है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपका ये पूरा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ डूब भी सकता है। तीसरा, फार्म हाउस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला ही पॉइंट है लेकिन मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। सही लोकेशन को आइडेंटिफाई किए बिना फार्म हाउस का प्रोजेक्ट कभी चल ही नहीं सकता। सेकंड होम का प्रोजेक्ट, फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लोग वहाँ पसंद करते हैं जहाँ नेचुरल ब्यूटी से, थोड़ा पहाड़ हो, थोड़ा पानी हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, एकदम प्लेन जगह पर लोगों को फार्म हाउस का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता। आपको आपके मार्केट का डिमांड समझना पड़ेगा, लोकेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक अच्छे फार्म हाउस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, हम नहीं चाहते आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज मिस हो। सेकंड, टीम फॉर्मेशन। अब फार्म हाउस के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, बेचने के लिए, न जाने आपको कितनी सारी अलग अलग प्रकार की टीम लगने वाली है। हो सकता है आपको किसी को फाउंडर या पार्टनर की भी ज़रूरत हो और वो को फाउंडर और पार्टनर वो होना चाहिए जिसकी स्किल आपके स्किल से मैच नहीं करती हो, अलग स्किल्स हो जो रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरी है पर आपके पास नहीं है, तभी आप सही पार्टनर के साथ बड़ा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एक वेंडर को सेलेक्ट करना, धीरे धीरे उनके बारे में रिसर्च करना, चाहे अच्छा आर्किटेक्ट जो फार्म हाउस बनाना जानता हो, सेकंड होम बनाना जानता हो, एक्सपीरियंस हो, कौन से लेबर्स हैं जिन्होंने सिटी से थोड़ा दूर जाकर अच्छा काम किया, समय पर डिलीवर किया, ये सबका टीम फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलता है मेरी और मेरी टीम को आगे ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए और एनर्जी मिलती है। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर रिसर्च एंड लैंड सिलेक्शन। अब बिना रिसर्च किए, बिना एक्चुअल नीड डिमांड को कैलकुलेट किए, बिना इन फ्यूचर आने वाले आगे आने वाले डेवलपमेंट को समझ के, बिना लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को जाने, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है फार्म हाउस इंडस्ट्री में जो आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करने पड़ते हैं। तो प्रॉपर लैंड का रिसर्च, प्रॉपर लोगों की नीड का रिसर्च, डिमांड का रिसर्च और क्या रेट का प्रोडक्ट वहाँ बिकेगा, क्या 2 BHK के फार्म हाउसेज बिकेंगे कि 3 BHK बिकेंगे कि 4 BHK बिकेंगे, कितना बड़ा प्लॉट एरिया होना चाहिए, 5,000 फुट इनफ है, 7,000 फुट, 10,000 फुट, उसके अंदर 1,000 फुट का कंस्ट्रक्शन, 1,500, ये पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे कि ये कैसे किया जाता है सीईओ कोचिंग के थ्रू। एक ऐसे ही व्यक्ति आए थे हमारे पास दिल्ली के पास रोहतक से, जिनके पास लैंड तो खरीद लिया था पर कोई नॉलेज नहीं था सेकंड होम का प्रोजेक्ट कैसे बनाए, फार्म हाउस कैसे बनाए। बहुत अच्छे से हमने उनके साथ काम किया, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया और आज वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट सीईओ बनना चाहते हैं, बिल्डर डेवलपर बनना चाहते हैं, फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में सफल होना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारे बोले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आज ही सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो एक 50,000 रुपये का क्लैरिटी कॉल, स्ट्रैटेजिक कॉल हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ करते हैं। अब ये प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पर आपको लैंड सेलेक्शन करना है और फिर फार्म हाउस के प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, सेकंड होम के प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है। पॉइंट नंबर 4, डू प्रॉपर सैंक्शनिंग एंड बैंक टाइप। अब थोड़ा सा आपको सुनकर शॉकिंग लगा होगा, सर फार्म हाउस में भी बैंक टाइप, मैं सब समझाऊंगा। पहले तो सही सैंक्शनिंग लीजिए,
अगर आप प्रॉपर सैंक्शन करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लिए, तो हाँ दोस्तों अगर आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से सैंक्शन है, सैंक्शन होकर बना रहे हैं, पहले आपको एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हो सकता है NATP दोनों भी कराना पड़ सकता है, नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग का परमिशन भी लग सकता है। अगर आप सब परमिशन लेते हो और आप कंस्ट्रक्शन भी करें, आपसे फार्म लैंड नहीं दे रहे, आप कंस्ट्रक्शन भी करें, तो कंस्ट्रक्शन के केस में स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको लोन मिलता है। भले ही यहाँ उतना लोन नहीं मिलता जितना डुप्लेक्स बंगलों पे मिलता है 80-90%, लेकिन 60% तक का स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का जो भी आपका रजिस्ट्री लगा है और जितना भी स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है ये वैल्यू, आपकी रजिस्ट्री की वैल्यू का 60-70% आपको आराम से लोन भी मिल जाता है। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, किसी रिप्यूटेड ब्रांड का है और प्रॉपर तरीके से सैंक्शन करके बनाया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को भी डिटेल में आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे गोल्डन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिजाइन अ मार्केटिंग प्लान एंड मेंशन USP। अब अगर आप सच में एक फार्म हाउस के प्रोजेक्ट में सफल होना चाहते हैं, प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनाओ, कौन से स्ट्रैटेजी को आप टैप करेंगे, और USP यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अगर आपको अपने फार्म हाउस का नहीं पता, पहले वो डिज़ाइन करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। सही मार्केटिंग, सही यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन अगर लोगों तक पहुंचा, लोगों को समझ में आता है कि क्यों आपका फार्म हाउस का सेकंड होम का प्रोजेक्ट अलग है, क्यों उन्होंने वहाँ लेना चाहिए, क्या ROI मिल सकता है, क्यों मिल सकता है, ये सब अगर क्लियर होगा तो आपके सफल होने की चांस ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 6, डेवलप एमिनिटीज फर्स्ट। हाँ दोस्तों, अगर अच्छा फार्म हाउस बेचना चाहते हो, एमिनिटीज़ को जल्दी डेवलप करो, थोड़ा सा ही 10-20% एमिनिटीज़ बनाओ, फिर लोगों की साइट विजिट कराओ, तब आपको मार्केटिंग के बाद सेलिंग में अच्छा रिस्पांस मिलेगा एंड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम। जो भी आपने एमिनिटीज़ प्रॉमिस किया, जो भी कंस्ट्रक्शन प्रॉमिस किया, उसे सही समय पर कंप्लीट करते हो, आपका ब्रांड नेम बनेगा और आप एक अच्छे फार्म हाउस डेवलपर या सेकंड होम डेवलपर बन सकते हैं। इन सब स्टेप्स को और डिटेल में सीखना चाहते हो, बहुत एडवांस में जानना चाहते हो, 1-to-1 सीखना चाहते हो, तो गोल्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को भारत का नंबर 1 रियल स्टेट चैनल बनाने के लिए, रियल स्टेट ट्रेनिंग एंड कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर किसी और टॉपिक पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप फार्म हाउस के बिजनेस में और इसमें से कोई स्टेप पहले मिस की थी, तो जरूर वो स्टेप कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।